हाय गाइस, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आज गोकिल की वाइटल 3.0 ट्रैकर। और ये इसका बॉक्स ब्लैक कलर का, और ये इसके अंदर कुछ ये दे रखा है दोस्तों, गिफ्ट कार्ड 50 रुपये का। और इसके अंदर निकला है ये मैनुअल। और गाइस, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट गोकिल वाइटल 3.0। और इस पे MRP दे रखी है गाइस 3,000 रुपये। ये हमने अभी फ्लिपकार्ट से 1,124 रुपये में ख़रीदा है, तो यानी कि फ्लिपकार्ट पे रेट 1,119 थी और कुछ करके, मतलब कुल मिला के 1,124 रुपये में हमने ख़रीदा है। तो गाइस, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये गाइस देखिए, आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहे हैं गाइस। अभी मैंने देखा भी नहीं है, अभी आपके सामने ही खोल रहा हूँ इसको भी, कैसा है क्या है ये ट्रैकर। तो ये है हमारा ट्रैकर गाइस, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, चमचमाता हुआ। ये इसकी स्ट्रैप, ये एक स्क्रैच कार्ड, और ये इसके मैनुअल, ये इसकी कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए कार्ड दे रखा है। और गाइस, ये है इसका मेन चीज यानी कि मेन ट्रैकर। ये देखो गाइस, इसमें एक सेंसर दिया हुआ है गाइस, जो हमारी बॉडी को सेंस करता है और हमारे बॉडी का हीट बताता है कि मतलब कैसे क्या है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बताता है गाइस। और दूसरा ये एक दे रखा है, इसमें ब्लड प्रेशर चेक करता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। ये इसको हमने चालू कर लिया और बांध लिया गाइस। तो ये है इसका डिस्प्ले मेन मेन्यू, इसमें 33 डिग्री बता रहा है ये, और 117 ये वॉश हैंड का बता रहा है। और तो गाइस, हम वॉश हैंड पर क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा हुआ टेप ऑन द स्टैंड फॉलो फ्लोइंग वी आर हैंड अप्लाई इन लिक्विड क्रिएट अ गुड रब एंड प्लम टुगेदर। मतलब ये क्या, कैसे हाथ धोना है उसके बारे में बता रहा है। 18 सेकेंड 17 सेकेंड, मतलब ये कैसे अच्छी तरह से हाथ धोए जाए उसके बारे में बता रहा है गाइस ये ट्रैकर। तो 8, 7, 6, मतलब 17 सेकेंड यानी 18 सेकेंड तक हाथ रब करते रहना है, धोना है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ आ रहा है गाइस कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा। ये दूसरा फीचर क्या है इसमें, ये देखते हैं। ये टाइमर हो गया गाइस, तो ये हो गया बंद, ये स्टार्ट करते हैं दोबारा इसको। ये है वॉच टाइमर, ये ट्रैकर हो गया। ट्रैकर में हम साइकिल वाले पे ओके करके देखते हैं, रन, वर्कआउट, साइकिलिंग, वॉक, ये 3-4 फीचर दे रखे हैं जो मेन मेन होते हैं। तो इसकी एक ही प्रॉब्लम मेरे को सबसे बड़ा खराबी वाली प्रॉब्लम लगी कि इसके स्टार्ट बंद होने के बाद में ये दोबारा, मतलब यहीं से स्टार्ट होती है, जब से लाइट बंद होती है इसकी शुरू से स्टार्ट होती है। हमने साइकिल पर ओके कर दिया है, कुछ टाइम दिखा रहा है रेडी टू गो। तो इसमें एक तरफ टाइमर चल रहा है और एक तरफ टाइम दिखा रहा है, यानी कि गुनिस होल्ड टू स्टॉप, यानी इसको बंद करने के लिए होल्ड करना होगा तो स्टॉप हो जाएगी। ये हार्ट रेट बता रही है और एक तरफ टाइम दिखा रही है और बैटरी इंडिकेटर दिखा रहा है। तो हमें इसको अब ऑफ करना है, तो होल्ड टू स्टॉप, अब होल्ड स्क्रीन को करना है या होम बटन को करना है ये मैं भी मालूम नहीं गाइस, तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमने मेन बटन को थोड़ी देर होल्ड कर दिया, ये होल्ड टू स्टॉप, यानी कि कुछ लिखा हुआ आया था मैं ढंग से नहीं कर पाया, एक लाइन भर रही नीचे, पूरी लाइन भर जाएगी तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ये हो गया बंद, नो डाटा सेट, इसको हम सेव नहीं करेंगे। बैग ले लिया हमने, इसी से बैग आता हूँ, ये ट्रैक, ये बीपी मेज़र, ये बंद हो गया, मैं दोबारा वापस स्टार्टिंग से जाना होगा। यानी जैसे इसकी लाइट बंद होती है ये मेन मेन्यू पे आ जाती है। तो गाइस, इसको वापस दबाते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट मेरे को ये लगा इसमें, तो
तो हम वापस जाते हैं बीपी पर, बीपी मेजर, क्या बताता है बीपी मेजर में, प्लीज़ कनेक्ट टू ऑप। अब ऐप से तो पहले से कनेक्ट है पर ये पता नहीं क्यों बता रहा है। हार्ट रेट कैसे काम करता है गाइस, तो ये 97 बता रहा है और मैक्सिमम 109 होना चाहिए, लो 62, तो यानी 98 भी चल रहा है, तो 94, 98, 95, यानी कि हार्ट रेट कभी बराबर नहीं चलती है गाइस, ऊपर नीचे होती रहती है। तो गाइस हार्ट रेट का हो गया, आगे देखते हैं आगे और क्या फीचर है इसमें। वॉश एंड हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, ट्रैकर हो गया, बीपी का भी देख लिया, हार्ट रेट देख लिया, ये है टेम्परेचर गाइस, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर बताएगी गाइस। तो इसमें कुछ दिखा रहा है, ये नॉर्मल यानी कि कुछ सेकंड नॉर्मल बता रहा है और कुछ सेकंड चल रहे हैं, यानी कि बराबर सेंस करके ये कितना आता है वो बताएगी गाइस। तो गाइस हम इसका टाइमर देखते हैं कितनी देर चलता है। वैसे 3.59 सेंटी वो सेल्सियस बता रहा है हमारा बॉडी का नॉर्मल, अगर ज़्यादा होता तो भी बता देती क्या दिक्कत है, नॉर्मल है या हाई है क्या है, तो वैसे अभी नॉर्मल बता रही है बॉडी का। वैसे टेम्परेचर 36 तक होता है गाइस, 36 से तक होता है, और 36 से ऊपर होने पर, 40 होने पर बुखार, मतलब बुखार होती है गाइस। ये आ गए मेन मेन्यू में, ये नीचे देखो मेन स्क्रीन में बताता रहता है। अब चलते हैं, अब क्या है इसमें, क्या बच्चा, अब बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गई, टेम्परेचर हो गया, स्टेप गाइस, ये स्टेप क्या दिखा रहा है गाइस इसमें, 21 कुछ टाइम भी दिखा रहा है, ये दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। ये सबसे बड़ी समस्या लगी मेरे को इस वक्त इस ट्रैकर में, ये जल्दी से बंद हो जाता है कुछ सेकंड में, ये कैलोरी कितनी बर्न करी है, कितने किलोमीटर चला है, ये सारा डिटेलियाँ दिखा रहा है। 1124 रुपये में तो गाइस इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आशा नहीं कही जा सकती है गाइस ट्रैकर से। और इस पे हार्ट रेट कुछ इसके डब्बे पे दिखा रखा है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्पोर्ट नोटिफिकेशन, बाकी गाइस इसकी बैटरी अच्छी चलती है, मैंने इसको रात को पहना था इसको और अभी तक अच्छी है बैटरी इसकी, 1% भी इधर उधर नहीं हुई है। इसमें सब दिखा रखा है गाइस, हाउ टू चार्ज, सर्विस, कोच, ये सारे कार्ड इसके अंदर मिलते हैं, इसको एक्टिव करना होता है गाइस। तो ये है इसका डब्बा गाइस, और मेन इसका टेम्परेचर का है गाइस, हाईलाइट इसका टेम्परेचर का है, और ब्लड प्रेशर का तो ये गाइस इसमें है ना, पहले से अपन को किसी मशीन से या अपना डाटा इसमें डालना होगा, उसके बाद में अपना प्रॉपर मेज़र करता रहेगा, एक बार हमें अपना डाटा डालना होगा। सॉरी